नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में जिले के जुन्नारदेव में बिरसा मुंडा भवन में आदिवासी दिवस का भव्य कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर ने की और कलेक्टर वेद प्रकाश, भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष उर्मिला भारती, विधायक नथन शाह कवरेती और आदिवासी मोर्चा के अध्यक्ष झोमरेश्वर मशकोले विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष अनुसुईया उइके ने कहा कि आदिवासी समाज में कई प्रतिभाएं हैं जिन्हें अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे वे आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि समाज के युवा उन्नति के सपने देखें और साकार करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और उच्च पदों पर पहुंचें। विश्व आदिवासी दिवस पर आज कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी के साथ ही सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला अस्पताल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले अव्यवस्था अनियमितता को लेकर लोग शिकायत करते थे, तो अब अस्पताल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गई। इनका आरोप है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जेएस गोगिया यहां आने वाले मरीजों को अपने प्राइवेट क्लिनिक में ले जाकर उनका इलाज करते हैं। डॉक्टर गोगिया यहां पे जो सीएमओ है उनके खिलाफ में हम यहां पे ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग है कि उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। वो यहां पर जितने हमारे मरीज आते हैं उनको अपने निजी क्लिनिक में, अपने बेटे क्लिनिक में वो भर्ती करने की यहां सलाह देते हैं और उनको वहां रेफर कर देते हैं, और जो कुछ नहीं मानते तो उनको नागपुर कर देते हैं, और यहां पे दवाइयां नहीं मिलती है। हमारे एफटीएससी के जो मरीज आते हैं उनको बेड नहीं दिए जाते हैं, और यहां पे सारे लोग जो गायनिक वार्ड पे लगा के सारे लोगों में डॉक्टर गोगिया का कमीशन है। ऑपरेशन करने के लिए मरीजों से 20-25 हजार रुपए की डिमांड की जाती है। वहीं विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी छात्र युवा उत्सव ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पेंशनर्स भवन में मूल निवासी संघ ने विश्व मूल निवासी दिवस मनाया, जिसमें संघ के सभी सदस्य उपस्थित रहे। रिजर्वेशन हमको इस तरीके का मिला था। उस समय जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने बेलगांव की एक असेंबली में ये स्टेटमेंट दिया था कि जो तेली तमोली और जो कुनवी लोग हैं ये लोग संसद में जाकर क्या हल चलाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार।